हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिस्ट सैनिटाइजर स्प्रे का, जो कि जो एक मशीन होती है जो स्प्रे का काम करती है, सैनिटाइजर का काम करती है। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है और इस टाइप से दिखता है। और यहाँ पे आप इसमें सैनिटाइजर भर के या मेडिसिन भर के या पानी भर के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये मेथड बताई गई है जिसकी सहायता से आप इसको ओपन करके लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको कोई भी लिक्विड भर के आप चेहरे पे लगा सकते हैं, लाइक गुलाब जल या कोई भी मेडिसिन हो जो लिक्विड वाली। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ आपको लिक्विड ही भरना है जो आपके चेहरे पे आप इस पर डाल सको, नहीं तो आप इसको जेल फॉर्म में कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं, हम इसका रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो हमने मंगवाया है इसको हम ओपन करते हैं। हाँ, यदि आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप 199 रुपये में से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमें एक केबल मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है, अच्छे प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया है बनाने में। इस केबल को आप मोबाइल फ़ोन के चार्जर से जोड़कर इसको इजीली चार्ज करते हैं। देखिए, मैंने बटन प्रेस किया है और इस टाइप से यह चलता है, ठीक है। तो इसमें हम अब सैनिटाइजर भर के देखेंगे कि कैसा काम करता है। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि यह इसको चार्ज करने के बाद अगर हम सैनिटाइजर या फिर कोई भी लिक्विड जिसको हमें स्प्रे करना है वो अंदर आप भर देते हैं, इसमें एक छोटा सा बटन होता है जिसको प्रेस करने पर यह ब्लू कलर की लाइट देता है, जिससे यह मशीन काफ़ी खूबसूरत लगती है। एक बार चार्ज करने के बाद ये आराम से अच्छा चलता है और इसकी चार्ज करने पर यहाँ लाल बटन आप जलता हुआ देख सकते हैं। 15 से 20 मिनट में यह काफ़ी चार्ज हो जाता है। अब यह मशीन जो है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि लिक्विड कौन सा आपको डालना है, तो हम इसमें लिक्विड आपको फिल करके बताते हैं। तो मेरे पास है मैजिका रब, जो कि एक सैनिटाइजर, इसमें 80% एल्कोहल है। इस मैजिका रब स्प्रे को, सैनिटाइजर को मैं इस वाटर टैंक के अंदर फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद देखिए, मैं इसको लगा देता हूँ। ध्यान रहे, इसमें सिर्फ लिक्विड फोम वाला सैनिटाइजर ही यूज़ करना है, जो पानी की तरह हो। यहाँ पे जेल वाला सैनिटाइजर आपको यूज़ नहीं करना, नहीं तो मशीन ख़राब हो सकती है। तो चलिए हम इसे यूज़ करके देखते हैं। और ये देखिए, इस टाइप से ये चलता है जो कि स्टीम के फॉर्म में लिक्विड को बाहर करता है। ये सैनिटाइजर हमें स्टीम के रूप में बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इससे अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। देखिए, आप जब ऑफिस से घर आते हैं तो हाथ तो आप साबुन से धो लेते हैं, पर जैसे कि पर्स हुआ, इसको कैसे आप सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि लेदर का पर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम इस आसानी से लेदर की चीज़ों को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। देखिए, ये स्टीम के माध्यम से लेदर का पर्स सैनिटाइज कर रहा है और गीला भी नहीं हुआ है। तो और यह मोबाइल फ़ोन को भी आप आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो पानी लगने से ख़राब हो सकता है। पर यदि हम इसके कंपोनेंट में भी अगर ये स्टीम डालेंगे तो ये गीला नहीं होगा और आसानी से सैनिटाइज हो जाएगा। जिसको हम करेंसी को भी सैनिटाइज कर सकते हैं इससे, ये देखिए, और करेंसी हमारी गीली भी नहीं होती है क्योंकि ये स्टीम फॉर्म में लिक्विड को बाहर फेंक रहा है। इससे आप अपने लैपटॉप का कीबोर्ड या फिर आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड भी सैनिटाइज कर सकते हैं, ताकि आप इस पर हाथ लगाएं तो वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथों पर टच ना कर पाए और आप इजीली आप साफ़ सफाई अपनी बरत सकते हैं। तो हमने देखा है स्प्रे कैसे काम करता है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं और भी टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।